सबको आदाब। आज एक्चुअली दो केसेस के सिलसिले में हम लोग यह प्रेस मीट रख रहे हैं। उसमें पहले केस जो है चेतना का है, जो अभी वो केस रजिस्टर हुआ था कि 10 तारीख का हम लोग को कंप्लेंट आया। इसमें ये कंप्लेंट का जिस्ट था कि गारंटी श्रीकांत जो कंप्लेनेंट है उनका मदर का थोड़ा तबीयत का इश्यू था जो नॉर्मल इलाज से नहीं सही हो रहा था। तो उनका पापा ने ऑनलाइन माने टीवी में लोकल टीवी चैनल पे कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें बोला कि पूजा करके या कुछ करके जो भी डिफिकल्टीज को दूर करेंगे। तो उन्हें उनको बिलीव करके उसको कॉल किया था। उसका नाम था जो मंजुनाथा अलियास ब्रह्मम अलियास कोया राजू अलियास अर्जुन राजू अलियास मंजू बोल के, ये वरंगल का रहने वाला है जो अपने आप को साधु बोलते हैं और सभी लोग को बोलते कि हम पूजा कर लेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो उनको बुलाया था, वो आके घर आके देखा और बोला कि यहाँ पे नरदोष है और वगैरह कुछ और प्रॉब्लम से बोल के उनसे 2 लाख रुपए लिया। बोला कि पूजा करेंगे हवन करेंगे तो सही हो जाएगा। ये आया था नवंबर पे, पहली बार आया था। उसके बाद कंटिन्यूसली आया और फोटोज भी तरह तरह का फोटोज भेज रहा था कि हम ये पूजा किया ये पूजा किया। एंड पूरा अभी तक 17 लाख रुपए तक उनसे 17 लाख रुपए तक इन लोग से एक ही पर्सन से लिए। वैसे बहुत सारी लोगों से भी लिया होगा, हम लोग पूछताछ चल रहे हैं। तो जैसे हमारे पास कंप्लेंट आया था तो हम लोग वेरीफाई कर रहे था सच में ये पूजा कर रहे हैं, तो आस्था है पूजा का मामले में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आस्था है पूजा कर रहे हैं नहीं। तो वो बंदा यहाँ पे आए तो और फिर एक और बार इन लोग से पैसा मांगने के लिए फिर लूटने के लिए यहाँ पे आए थे। MGBS उनसे कुछ पकड़ के पूछताछ किया तो ये पता चला बंदा को कोई पूजा या हवन कुछ आते नहीं। वो वीडियोस वो भेजते जो यूट्यूब से डाउनलोड करते और उसका फोटो निकाल के लोगों को भेजते और बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नाम पे मैंने हवन किया या पूजा की। असलियत है कि ये बंदा तो इसको कुछ आते नहीं है भाई, भाई कैश बुढ़े जंगल जो घूमते रहते हैं उन लोगों का कम्युनिटी और रहते वरंगल में करीमाबाद वरंगल कोयावाड़ा पे रहते। वो पैसे के लिए ये सारी कर रहे हैं। उनका तरीका ये है कि ये ऑनलाइन दुर्गा देवी ज्योतिषालय सम्मक सारलम्मा ज्योतिषालय बोल के कुछ बुक्स किताबें प्रिंट करके और लोकल मीडिया पे ये पब्लिश करते कि वायरल कर लेते कि हम लोग पूजा करके हवन करके हम लोग का दिक्कत है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है सारी दूर करते हैं बोल के लोगों को चीट करते हैं। उसमें वो अभी हम लोग ये भी पूछताछ चल रहा है कि और एक हम लोग का कंप्लेंट एक ही आया और ज्यादा और कंप्लेंट भी हो सकते हैं उसके लिए भी चल रहा है। और आप लोग के थ्रू हम लोग सभी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जैसे ये वैसे बाबा है जो वो गलत बाबा है और उनको कुछ आते नहीं है, बस लोगों को आस्था के ऊपर खेल के और उन लोगों को वीकनेस को पकड़ के इन लोग पैसा लूट रहे हैं। जैसे आपको कोई भी वैसे बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन आते हैं प्लीज हमको इंटीमेशन दीजिए, उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन होगा और तुरंत कार्रवाई भी होगा और बाकी लोगों को आप लोग बचाया हुआ जैसा भी होते हैं। तो पूरा ऑपरेशन जो है एडिशनल DCP टास्क फोर्स नरसिम्हा के ओवरऑल सुपरविजन पे हुआ था, जिसमें और हमारा एडिशनल DCP सौजन जहांगीर और नरसिम्हा दोनों मिलकर सुपरवाइज किया था और जिसमें ACP चेतना का रमेश और टास्क फोर्स का इंस्पेक्टर सैदा बाबू चेतना का इंस्पेक्टर भोजा और SI राघवेंद्र रेड्डी अनंताचारी सायराम और साउथ ईस्ट जोन का टास्क फोर्स का टीम पूरा इसको ट्रैक करके और जब यहाँ पे आए तो उनको पकड़ने में कामयाबी हुआ था। सभी लोग को मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ और फिर से आप लोगों को अपील कर रहे हैं, ये भी इस मौके पे ये भी अपील कर रहे हैं सभी लोग को। संक्रांति भी आ रहे हैं, आप लोग को कोई भी बाहर जा रहे हैं अपने गांव जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो प्लीज हम लोग लोकल PS में इंटीमेट कर दीजिए ताकि उन लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। लोकल चैनल पर जो बाबा के हार्ट चला रहे हैं पहले चीज मीडिया जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग अपना एड देते हैं उसमें। मीडिया जो ओपन प्लेटफॉर्म है सभी लोग ये भी देते डिस्क्लेमर जो एड का जो है उनके ऊपर उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एड प्ले कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हर व्यूअर को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी एड आते हैं कुछ भी आते हैं प्लीज उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लीजिए, अपने आप वेरीफाई कर लीजिए। नहीं तो आपको डाउट है तो हमारा कॉन्टैक्ट कर लीजिए पुलिस वाला, हम भी आप लोग को हेल्प करेंगे ताकि
अननेसरी वैसे जो स्कैम्स पे आप फंसेंगे।